कोरोना की चल पड़ी है दूसरी लहर, बचाव के लिए प्रधानमंत्री का राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ट्रिपल टी का मंच। देश भर में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार चल पड़ी है, इसे कोरोना की दूसरी लहर मानी जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को ट्रिपल टी का मंत्र दिया है। पीएम ने कहा कि हमें देश भर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर पूरा ध्यान देना होगा, यह है ट्रिपल टी। प्रधानमंत्री ने राज्य से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जांच प्रक्रिया को और तेज करने पर जोर दिया है, जांच को 70% बढ़ाने की बात कही। उन्होंने केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में रैपिड टेस्टिंग ही किए जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समय रहते संक्रमण को रोकना होगा, वरना गाँव में मामले बढ़े तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव को और गति दी जानी पर उन्होंने जोर दिया है। मोदी ने कहा कि अब तक एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लग रहे हैं, ऐसे में हमें इसे और गति देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन पहले आई उसका उपयोग पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि संक्रमण रोकने के लिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले, हमें दवाई भी कड़ाई भी का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का पर जोर दिया है, साथ ही सभी राज्यों से एक दूसरे के साथ सतत संपर्क और जानकारी शेयर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसके लिए खुद बैठकें करनी चाहिए। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।